तो गुड मॉर्निंग एवरीवन आप सभी का मैं स्वागत करता हूं डिफेंस अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पर और आज सी का एग्जाम आपका जो सेवन्थ ऑफ अगस्त को शेड्यूल्ड है उसके रिगार्डिंग मैं जर्नल स्टडीज का एम का एक सेट लाया हूँ चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली डायरेक्ट या इन्हीं पर बेस्ड डेटा पर आपसे पूछे जाएंगे तो गुड मॉर्निंग सभी को जय हिंद जय भारत लेट्स स्टार्ट इस सेशन तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा प्रोजेक्ट स्काई कैनवस ध्यान रखिएगा कोई भी आपका जो लेटेस्ट न्यूज होती है उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस के सीएपीएफ के एग्जामिनेशन में तो यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंटली प्रोजेक्ट स्काई कैनवस वाज इन यूज इट इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग ये जो प्रोजेक्ट स्काई कैनवस है ये हाल ही में खबरों में था और ये किस पर बेस्ड है तो अनुज सोनी वंशी सूर्य कुमार सौरभ कृष्णा कल्पना पाल अंकुल आप लोग बता सकते हैं ये किससे रिलेटेड है डार्क स्काई रिजर्व आर्टिफिशियल मिटी और शावर सोलर हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट और आईसी मून एक्सप्लोरर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये है क्या इसका आंसर देखिए जो ये है जूपिटर आईसी मून एक्सप्लोर इसको हम बोलते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म है जूस ठीक है और ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक प्रोग्राम है जो जूपिटर का एक सैटेलाइट है उसके रिसर्च के लिए बना है फिर इसरो का ठीक है इसरो का सन की स्टडी करने के लिए आदित्य एल वन करके एक प्रोजेक्ट है सन की स्टडी करने के लिए और ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो है आर्टिफिशियल शावर यानी कृत्रिम उल्का बोछार इसको कौन कर रहा है कंट्री का नाम अगर पूछा जाए तो 2025 में यानी आज से दो साल बाद आपका जापान का एक स्पेस कंपनी है जिसका नाम है ए ए और ये आर्टिफिशियल मिट्योर शावर कराएगी प्रोजेक्ट स्काई जिससे पता लगेगा ठीक है जिससे पता लगेगा हमारी एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है मीजोस्फेर ये मीजोस्फेयर हमारे एटमोसफेयर की सबसे कोल्ड लेयर होती है और इसमें अगर स्पेस इस से कोई भी चीज एंटर करती है तो काफी फ्रिक्शन के कारण वो जल कर खत्म हो जाती है बर्न हो जाती है तो इसी मीजोस्फेयर में आपका जो टूट से तारे की घटना है या शूटिंग स्टार है वो आपको देखने का मिलता है ठीक है तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आर्टिफिशियल मिटियोर शावर इसमें क्या है सेटेलाइट से छोटे छोटे मेटल के पार्टिकल्स को लॉन्च किया जाएगा जो मैन मेड मिटियोर कहलाएंगे और जो मीजो में आपका जलकर भस्म होगा और उस पर डेटा पे बेस्ड रिसर्च की जाएगी तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट right आंसर था ओके अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बेहद इंपॉर्टेंट और डेफिनेटली आपको इस पर बेस क्वेश्चन देखने को मिलेगा ध्यान रखिएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में आपको इस तरीके से स्टेटमेंट बेस ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने पुट अप करा है ओके okay, तो जरा बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा व्हाट विल बी दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन की विद रेफरेंस टू नेटो ठीक है नेटो पर बेस ये रेफरेंस क्वेश्चन पूछा गया है विद रेफरेंस टू नेटो

और ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर आपका बेल्जियम है तो पहली दो स्टेटमेंट तो करेक्ट है पोलैंड इसका थर्टी फर्स्ट मेंबर बना है नहीं पोलैंड इसका थर्टी फर्स्ट मेंबर नहीं बना है ठीक है क्योंकि अभी इसका जो थर्टी फर्स्ट मेंबर बना है वो बना है फिनलैंड ओके okay, तो ये आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गई अगर आपकी थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गई है तो भी आप आंसर लगा सकते हैं चाहे आपको फोर्थ वन के बारे में पता हो या ना पता हो क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट आपका यहां पे भी आ रही है थर्ड स्टेटमेंट आपका यहां पे भी आ रही है थर्ड स्टेटमेंट आपका यहां पे भी आ रही है सो so, आप एलिमिनेशन मेथड से आंसर निकाल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा दूसरी चीज यूएसए कनेडा ओके यूएसए कनेडा और यूनाइटेड किंगडम ये इसके क्या थे फाउंडिंग मेंबर्स थे स्वीडन इसका पार्ट नहीं है अब ये नेटो है क्या दरअसल सबसे पहले ध्यान रखेगा फिनलैंड फिनलैंड इसका थर्टी फर्स्ट मेंबर बना है फिनलैंड को हम क्या बोलते हैं लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स ये इसका एक निक नेम है लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स हम इसे बोलते हैं अच्छा फिनलैंड के साथ साथ एक और कंट्री है नॉर्वे ये ये भी आपका क्या कहते हैं नेटो का मेंबर रह चुकी है नेटो का मेंबर है ये जो आप इधर देख रहे हो ये बाल्टिक सी है और ये आपका जो नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड और आइसलैंड है ये स्कैंडेवियन कंट्री है इनके जो ग्रुप है ना इनको नॉर्डिक बाल्टिक एट कंट्रीज बोलते हैं जिसमें डेनमार्क ये इधर एस्टोनिया लतावे लुतानिया ये आपका बाल्टिक कंट्रीज पड़ती है क्योंकि ये यहाँ पर आपका बाल्टिक सी पड़ता है ये आपकी बाल्टिक कंट्रीज है ये आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है जिनको हम नॉर्टिक कंट्री भी बोलते हैं तो आपका नॉर्टिक बाल्टिक कंट्रीज में टोटल कितने आते हैं एट देश आते हैं यानी आठ देश आते हैं रशिया का जो यूक्रेन पे इन्वेशन हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए फिनलैंड इसका मेंबर बना अब ये था क्या नेटो दरअसल फर्स्ट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके बाद एक वर्साउ पैक्ट के अकॉर्डिंग यूएसएसआर फॉर्म हुआ था जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पर बेस्ड था और जो यूएस और यूनाइटेड किंगडम था ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे बेस्ड था कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी पे था इन दोनों के बीच एक पॉलिटिकल टसल चलता था जिसको हम बोलते थे कोल्ड वॉर ठीक है जिसको हम क्या बोलते थे कोल्ड वॉर बोला जाता था दूसरी चीज ध्यान रखो इंडिया जो था वो ना ही नेटो का मेंबर रहा है ना ही वो यूएसएसआर का मेंबर था हमारे भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू घाना के जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे कमाय नरुक इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर अहमद सुकरनो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे अब्दुल नसर और युगोसिलाविया जो आज की डेट में सर्बिया मोन और आपका स्लोवानिया के नाम से जाना जाता है जॉसस टीटो इन्होंने मिलकर क्या बनाया था गुट निरपेक्ष बनाया था 1961 में क्योंकि हम इंडिया जो था पीस और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी पे बिलीव करता था तो ना ही वो नेटो का मेंबर था ना ही यूएसएसआर का मेंबर था था तो इन्होंने 1961 में क्या फॉर्म करा था? गुट निरपेक्ष आंदोलन इसको हम बोलते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट ये नॉन अलाइन मूवमेंट जो था इसमें ये सारी कंट्रीज तो ये आप जो आप डार्क ब्लू में देख रहे हो ये सारे आपके नेम कंट्रीज थे यानी नॉन अलाइन मूवमेंट से रिलेटेड था ओके अभी आपने हाल ही में एक न्यूज भी सुनी होगी कि यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि इंडिया को नेटो प्लस में इंक्लूड किया जाए अब ये नेटो प्लस है क्या नेटो प्लस चाइना की जो डोमिनेंस बढ़ रही है पैसिफिक ओशन में और उसको काउंटर करने के लिए यूएसए ने 2019 में क्या बनाया नेटो प्लस जिसमें फाइव कंट्रीज आती हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जापान इसराइल एंड साउथ कोरिया और अब इसमें इंडिया को भी इंक्लूड करने की यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जॉ बाइडेन ने बात किया अब इंडिया इसका मेंबर बनेगा या नहीं बनेगा ये इंडिया के जो पॉलिटिकल रूलिंग क्लास है वो उसको डिसाइड करेगी तो ध्यान रखेगा आपसे नेटो नेटो प्लस दोनों पे नेटो बना नाइनटीन में और उसके ठीक उसके ठीक आपका नाइनटीन से अगर देखा जाए आ, 60 ईयर्स बाद नेटो प्लस बना 2019 में चलो अब आगे मूव करते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा देखो प्रोजेक्ट टाइगर जो है प्रोजेक्ट टाइगर वो शुरू हुआ था फर्स्ट ऑफ़ अप्रैल 1973 में और जो 1973 में ये शुरू किया गया था आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और बांदीपुरा नेशनल पार्क से जिसमें अब इनको जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जिसको अब रामगंगा टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है और बांदीपुर टाइगर रिजर्व अब यहाँ पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 इयर्स को सेलिब्रेट किया क्योंकि 2023 चल रहा है तो 50 इयर्स हो गए तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है वो कैसे है नागौर होल टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में है इसके नॉर्थ वेस्ट में है मुंदुमलई टाइगर रिजर्व जो है इसके साउथ वेस्ट में है वेनियाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला ये इसके साउथ में तो इसको स्टेटमेंट का क्या आंसर होगा यानी इसकी जोग्राफिकल लोकेशन पर बेस ही आपसे क्वेश्चन पुट अप किया है ओके तो यहाँ पर ध्यान से देखो ये आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व है नागर होल टाइगर रिजर्व जो है इसके नॉर्थ वेस्ट में है मुंदूमई इसके साउथ में है और वेन भी इसके क्या है साउथ में है और ये यहाँ पर ये एक नेशनल हाईवे 76 आपका पड़ता है तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये तीनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी नहीं तीनों ही सही है ये ठीक है यहाँ पर मैं इसी वजह से मैप भी लाया देखो ये नागर होल टाइगर रिजर्व दिख रहा है ये आपको बांदीपुर दिख रहा है ये आपको मुंडूमलाई दिख रहा है और ये आपको वेनयार्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको दिख रही है चलो आगे मूव करते हैं तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व रिसेंटली कंप्लीटेड 50 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व ठीक है और ये आपका मैसूर और चामनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कर्नाटका की जो ट्राइजंक्शन पॉइंट है आपका कहां पर कर्नाटका तमिलनाडु और केरला का ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अब रिसेंटली चांग टांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज इन द न्यूज अब ये चांग टांग वाइल्ड लाइफ जो न्यूज है सभी को आवाज आ रही है ऑडियो वीडियो क्लियर है जल्दी से बताओ सभी लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है एक बच्चा कह रहा है वॉइस नहीं आ रही है जरा मैं भी चेक कर लू वॉइस आ रही है नहीं आ रही है आप बताए वॉइस ठीक है चलो जी सौरभ कृष्णा ने इसका आंसर सही दिया है नले डार्क स्काई रिजर्व आपका हमारी जो आकाश गंगा है मिल्की वे जिसको मिंदाकनी हम बोलते हैं उसकी स्टडी के लिए लद्दाख में आपका चांगटाग रीजन में एक डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया है और ये इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व है ओके ये कहाँ पे किया गया हैनले जो आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी में पड़ता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंडमान निकोबार कमांड ये 2002 में बनाई गई थी कमांड ओके ये जो कमांड है 2002 में बनाई गई थी जैसे आर्मी की अपनी कमांड्स होती है एयरफोर्स की अपनी कमांड्स होती है नेवी की अपनी कमांड्स होती है उसके अलावा आपका 2002 में एक अलग ट्राई सर्विस कमांड बनाई बनाई गई थी अंडमान निकोबार कमांड तो उसके प्रोटेक्शन को लेकर एक एक्सरसाइज होती है जिसको बोला जाता है एक्सरसाइज कवच तो इस एक्सरसाइज कवच में कौन कौन सी फोर्सेस पार्टिसिपेट करती हैं आर्मी नेवी आर्मी नेवी एयरफोर्स आर्मी नेवी एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड आर्मी नेवी एयरफोर्स कोस्ट गार्ड एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जसपाल कौर सभी को जय हिंद तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड ये इंडिया की चार क्या हैं आर्म uh, फोर्सेस है यूनियन आर्म फोर्सेस है यानी सशस्त्र बल है इसके बाद जो है वो सारे आपके पैरामिलिट्री में इंक्लूड किए जाते हैं तो एक्सरसाइज कवच जो है 2023, इसमें आपका आर्मी नेवी एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड ने ये एक्सरसाइज करी है ज्वाइंट एक्सरसाइज है कि अगर हमें प्रोटेक्ट करना हो किसको अपने ओके okay, ओके okay, अगर हमें प्रोटेक्ट करना हो अपने अंडमान निकोबार को तो उसको किस तरीके से हम करेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में एक ट्राइब है और उस हिंदू मिशिमी ट्राइब उसे बोलते हैं उस पर बेस एक क्वेश्चन है लेकिन यहां पर मैंने उसको ज्योग्राफिकल बेस पे बना दिया आपको बताना है कि अभोर दाफला मिशिमी और मिनीमी हिल्स आपको इनको ईस्ट से वेस्ट आपको अरेंज करना है ठीक है ये आपका लेसर या मिडिल हिमालयास पड़ते हैं जो आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं ये आपका किस में है आपका अरुणाचल प्रदेश में है ये ठीक है अब इस क्वेश्चन का आंसर आप में से बहुत ही कम लोग दे पाएंगे ठीक है इसकी एक ट्रिक है ठीक है इसकी ट्रिक है वेस्ट से ईस्ट अगर आपको याद करना हो ठीक है वेस्ट से ईस्ट तो आप पहले ध्यान रखेगा दामी ठीक है दामी यानी दाफला ओके okay, और मीरी और फिर ध्यान रखेगा दाफला और अभिमीश ठीक है दाफला अभिमीश यानी अभोर और मीशी मी हिल्स तो ये इस तरीके से तो अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए टू फोर ठीक है अच्छा ईस्ट टू वेस्ट जाना है ना हमें ईस्ट टू वेस्ट यानी हमें इस तरीके से जाना है तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए थ्री वन थ्री वन आपका किस में आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो? Option number C होगा ऑप्शन नंबर सी होगा ठीक है आप देखो यहाँ पर यहाँ पर आपको दिख रहा है मिशिमी हिल्स यहां पर आपको अभोर हिल्स और आपका मीरी हिल्स और दाफला हिल्स अच्छा ध्यान रखिएगा इसी से ही मिलता जुलता है एक मिकिर हिल्स मिकिर हिल्स आपका किस में पड़ता है आसाम में पड़ता है और अरुणाचल प्रदेश में सॉरी अरुणाचल प्रदेश ने मेघालय मेघालय आपका जो है इंडियन प्लेटू का पार्ट है जब आप डाउनलोड करेंगे ना इस इमेज को तो अब आप, आप मतलब इस पी को तो आपको ये सारा इसमें दिखाई देगा तो गारो खासी जयंतिया ये आपका किस में पड़ता है ये आपका देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं यहाँ पर आपका मेघालय में पड़ती हैं तीन हिल्स गारो खांसी और जैंतिया हिल्स आपका किस में पड़ती है मेघालय में ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका जो मिजोरम है मिजोरम में पड़ती है मिजो हिल्स बोलते हैं लेकिन उनको लुशाई हिल्स भी उनको हम बोलते हैं लुशाई हिल्स यहाँ पर नागा हिल्स पड़ती है पूर्वांचल का पार्ट है पथ कोई बम पथ कोई या पथकई बूम इसको ये हम बोलते हैं ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है और मणिपुर में आपका मणिपुरी हिल्स पड़ती है कौन सी पड़ती है मणिपुरी हिल्स और ये आपका इधर क्या पड़ती है मीकेर हिल्स तो ध्यान होना चाहिए आपका कौन सी हिल्स आपकी कहां पर पड़ती है ठीक है मूव आगे अब एक्चुअली क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस बार पूरे आ, दस लाख के करीब इंडिया में टूरिस्ट इंडिया में घूमने गए हैं जिसमें से आपका इलेवन पॉइंट एट परसेंट ठीक है नहीं मेरे ख्याल से ग्यारह लाख के करीब टूरिस्ट ग्यारह दशमलव आठ यानि इलेवन पॉइंट एट टूरिस्ट जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में अपना गए हैं टूरिज्म के लिए अब जैसे तुआंग मोनेस्ट्री त्वांग जो है इंडिया की लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट इंडिया की लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है ध्यान रखिएगा तोंग चाइना तो को अपना रीजन मानता है ठीक है इंडिया की लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है तो ये तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है माँ कामाख्या का मंदिर आप सभी जानते हो गोहाटी में है तो वो उड़ीसा में कहां से हो सकता है उड़ीसा में तो भगवान जगन्नाथ और कोनार्थ टेम्पल पड़ता है अब देखो सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया ओके okay? नोखाई फॉल्स नोखाई फॉल्स आपका कहाँ पड़ता है त्रिपुरा में पड़ता है या आपका नागालैंड में पड़ता है तो नोखाई फॉल्स आपका जो है मेघालय में पड़ता है ये आपका किस में पड़ता है मेघा में पड़ता है और ये तो आपका आसाम में पड़ता है ठीक है तो ये आपके दो क्या हो गए गलत और को वैली हॉनबेल फेस्टिवल जो होता है वो को वैली में होता है तो यहां पर आप देखें तो ओनली टू पेयर्स आर करेक्ट केवल टू पेयर्स आपके करेक्ट है ठीक है हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलो अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं अब ये डिफेंस से रिलेटेड है कंसिडर दर्भय ब्रह्मोस अस्त्र आपको बताना है इनमें से कौन सी क्रूज मिसाइल है क्रूज मिसाइल वो होती है जो बहुत ही एक्यूरेट होती है और इसको फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है यानी एक बार आपने लॉन्च कर दी फिर वो अपने टारगेट को खुद ही आइडेंटिफाई करके उसको डिस्ट्रॉय करती है तो यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निर्भय या अस्त्र आप जानते हो ब्रह्मोस तो क्रूज मिसाइल है ये न्यूज़ में क्यों है क्योंकि ब्रह्मोस की अब हमने कैपेबिलिटी बना दी है ब्रह्मोस को हम लैंड से भी लॉन्च कर सकते हैं इंडियन नेवल शिप आई एन एस विशाखापट्टनम से भी लॉन्च कर सकते हैं और सुखोई थर्टी मार्क वन फाइटर एयरक्राफ्ट से भी हम इसे लॉन्च कर सकते हैं यानी अगर बालाकोट जैसी सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी तो हमें पाकिस्तान के टेरिटरी में नहीं जाना पड़ेगा इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो एक सर्टेन हाइट पर जाके वहां से बालाकोट जैसे टेररिस्ट एनिमी हाइड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तो देखो अस्त्र अस्त्र आपका जो है एक क्रूज मिसाइल नहीं है ये आपका बी वी आर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है ठीक है इसको बीवीएम आर एम रैम हम इसे बोलते हैं तो यहाँ पर अस्त्र नहीं होगा निर्भय भी आपका क्रूज मिसाइल है लेकिन निर्भय आपका क्या है सब सोनिक है और वहाँ ही आपका जो ब्रह्मोस है वो सुपर सोनिक आपका क्रूज मिसाइल है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अच्छा इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं जैसे आप देख रहे हो ब्रह्मोस तो ब्रह्मोस की अब कैपेबिलिटी हो गई है कि हम इसको सुखोई से भी लॉन्च कर सकते हैं और अब इसका जो रेंज है वो 400 किलोमीटर से भी ज्यादा हमने इसका अचीव कर लिया है ओके 400 किलोमीटर से भी ज्यादा ओके फिर इसके बाद बात करें अस्त्रा तो अस्त्रा जो है भारत में ही बनाई गई क्या है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल जिसको बीवी एम रैम हम इसे बोलते हैं इस ये जो है आपका जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट कर रहा है हमारा और उसको रेड में एनिमी एयरक्राफ्ट नजर आते हैं तो टारगेट लॉक करते हैं और उसको हम लॉन्च कर देते हैं तो उसे बी वी आर एम रैम हम इसे बोलते हैं और जो आपका निर्भय है, है ये सब क्रूज मिसाइल है ये न्यूक्लियर वेपन्स को ले जाने के लिए है थाउजेंड किलोमीटर्स की इसका वजन होता है और इसकी जो रेंज होती है मेघाल से डेढ़ सौ किलोमीटर तक की होती है शॉर्ट रेंज होती है डेढ़ सौ से पांच सौ किलोमीटर अच्छा अब हेलीकॉप्टर्स की बात करें प्रचंड हो गया जो इंडिया का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है वर्ल्ड में सबसे ऊंचाई पे ऑपरेट करने वाला हेलीकॉप्टर आपका प्रचंड माना जाता है ठीक है और ध्यान रखिएगा, अपाचे तो से हमने लिया अटैक हेलीकॉप्टर है रुद्रा भी एक अटैक हेलीकॉप्टर है अटैक हेलीकॉप्टर की तीन खासियतें होती है कि उनमें यानी हेलीकॉप्टर के नीचे गन लगी होती है रॉकेट रौक, रॉकेट मिसाइल्स होते हैं उनके अंदर और उनमें आपका मिसाइल्स होती है एयर टू एयर हवा से हवा में मार करने वाली आपकी मिसाइल्स भी होती हैं तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर जो होगा सॉरी एक मिनट में गलत इसमें माफ कर गया यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वन टू थ्री तीनों ही सही हैं देखिए कैसे ये आपका अपाचे हेलीकॉप्टर है टरेट गन ये आपको दिख रही होगी रॉकेट्स के लिए देखिए यहाँ पे पॉड्स लगे हुए हैं रॉकेट्स लगाने के लिए और इनमें मिसाइल्स भी लग सकती है हेल फायर मिसाइल उसी तरीके से रुद्रा है इसमें भी देखिए टरेट गन लगी हुई है और यहाँ पर देखिए रॉकेट पॉड भी लगे हैं अटैक हेलीकॉप्टर है और आपका जो प्रचंड है प्रचंड भी एक अटैक हेलीकॉप्टर है तो अटैक हेलीकॉप्टर की हमेशा से खासियत होती है थी कि उसमें आपको रॉकेट और टरेट गन और मिसाइल फायर करने की कैपेबिलिटी होती है तभी तो उसको हम क्या बोलते हैं अटैक हेलीकॉप्टर बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंडियन एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज हुई थी ये पहली बार करी थी हमने जापान में वीर गार्जियन ठीक है वीर गार्जियन और ये वीर गार्जियन कहां पर हुई थी हायापूरी एयरबेस ठीक है कहां पर हुई थी हायापुरी एयरबेस ये हायाकुरी एयरबेस आपका कहाँ पड़ता हाया है हायाकुरी एयरबेस आपका पड़ता है जापान में हुई थी तो जापान के साथ एक हमारी एयरफोर्स एक्सरसाइज हुई है तो इसमें पहली फीमेल ऑफिसर कौन बनी है अब देखो एयरफोर्स की बात है तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा स्क्वाडन लीडर अवनि चतुर्वेदी होंगी ठीक है स्क्वाडन लीडर अवनि चतुर्वेदी कैप्टन शिवा चौहान तो सियाचिन में डिप्लॉयड होने वाली फर्स्ट आर्मी ऑफ़ फीमेल आर्मी ऑफिसर है अभिलाषा बराक आर्मी की पहली ठीक है आर्मी इज फर्स्ट ओके फर्स्ट फीमेल एविएटर एविटर खैर तो बहुत पुरानी न्यूज है कॉम्बैट एविएटर है यानी आपका ये परचेंड जो हेलीकॉप्टर है उसको ऑपरेट करेंगे जो मोला मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस से हैं और इनों को भूटान में जो कंस्ट्रक्शन है उसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई है खैर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी अवनी चतुर्वेदी है।, हाँ, बी से है अच्छा अवनी चतुर्वेदी से रिलेटेड एक और चीज है कि अवनी चतुर्वेदी पहली ऐसी फीमेल पाइलट बनी है जो सुखोई थर्टी फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाई करती हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कोबरा वॉरियर ठीक है कोबरा वॉरियर एक मल्टी नेशन ठीक है मल्टी नेशन एयरफोर्स एक्सरसाइज है ठीक है मल्टी नेशन एयरफोर्स एक्सर साइज है तो यहां आपसे पूछा गया है कि कोबरा वॉरियर जो मल्टी नेशन एयरफोर्स एक्सरसाइज है वो कौन सी कंट्री से रिलेटेड है यूनाइटेड किंगडम यूएसए फ्रांस इजिप्ट तो ये जो कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज है ये फर्स्ट वीक ऑफ मार्च मेरे ख्याल से दो तीन मार्च के आसपास ये एक्सरसाइज हुई थी ओके okay? और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका यूनाइटेड किंगडम इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यूनाइटेड किंगडम जी हां कल्पना मानसी वेरी गुड बच्चे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा ज्वाइंट नेवल ड्रिल टाइगर शार्क 4.0 पॉइंट एक्सरसाइज कौन से दो देशों के बीच में हुई है इंडिया और यूएसए के बीच में ध्यान रखिये जो नेवल एक्सरसाइज है इसको मालाबार बोलते हैं और इसमें क्वाड कंट्रीज की एक्सरसाइज हो गई क्योंकि इसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान भी पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो एक्सरसाइज होती है वो होती है बोंगो सागर ठीक है और इंडिया और जापान के बीच वीर गार्जियन एयरफोर्स एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन आर्मी एक्सरसाइज और जापान इंडिया मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जिमैक्स आपकी नेवल एक्सरसाइज होती है सो so यहां पर ये यूएसए और बांग्लादेश के बीच हुई है किसके बीच हुई है यूएसए एंड बांग्लादेश चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अल मोहद अल हिंदी ध्यान रखेगा इसमें इंडियन नेवल शिप एन तरकश ने पार्टिसिपेट करा है और ये सेकेंड टाइम हो रही है ये कौन सा एडिशन है सेकेंड एडिशन है पहली बार ये 2021 थाउजेंड 2020 या में हुआ था और ये हमारी किसके साथ है सऊदी अरेबिया के साथ एक नेवल है ऑप्शन नंबर सी वेरी गुड आप बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो फिर समुद्र शक्ति ध्यान से सुनो ये अगर जैसे इंडिया है यहां पर श्रीलंका है यहाँ पर यह इंडोनेशिया है और इंडोनेशिया के ऊपर आपका क्या है आपका म, मलेशिया ये आपका मले है और ये आपका इंडो नेशिया है और ये आपका श्रीलंका है क्योंकि इनके साथ जो भी हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसमें शक्ति वर्ड होता है जैसे श्रीलंका के साथ जो आर्मी एक्सरसाइज है उसका नाम है मित्रा शक्ति ठीक है उसका नाम क्या है मित्रा शक्ति ये क्या है आर्मी एक्सरसाइज है ठीक है इंडोनेशिया के साथ जो आर्मी एक्सरसाइज हुई है दिसंबर में उसका नाम है गरुडा शक्ति ये आर्मी एक्सरसाइज है गरुडा शक्ति और इसके साथ जो नेवल एक्सरसाइज है नेवल एक्सरसाइज का नाम है समुद्र शक्ति इसका नाम क्या है समुद्र शक्ति अच्छा वही मलेशिया के साथ जो आर्मी एक्सरसाइज है ओके उसका नाम है हरी मऊ शक्ति उसका नाम क्या है हरुमऊ शक्ति और वही इसके साथ जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है उसका नाम है उदार शक्ति उसका नाम क्या है उदार शक्ति तो ध्यान रखेगा शक्ति शक्ति वर्ड है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया ठीक है अच्छा इंडोनेशिया के साथ भी हमारी दो एक्सरसाइज है इंडोनेशिया के साथ आर्मी एक्सरसाइज है और दोनों का अलग अलग नाम है ठीक है इंडोनेशिया के साथ जो हमारी आर्मी एक्सरसाइज है एक है अग्नि वॉरियर ठीक है एक तो है अग्नि वॉरियर और एक है धर्मा गार्जियन ओके एक ही देश के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है सॉरी नॉट धर्मा गार्जियन नहीं है गलत लिख रहा हूं अ धर्मा गार्जियन तो जापान के साथ है बोल्ड कुरुक्षेत्र ठीक है बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज है हमारी किसके साथ आपका आ, इसके साथ क्या बोलते हैं सिंगापुर के साथ अच्छा फ्रांस के साथ हमारी अगर आर्मी की, की बात करूं तो आर्मी की जो एक्सरसाइज है उसका नाम है शक्ति ठीक है और आपका जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है उसका नाम है आपका गरुडा ठीक है उसका नाम है गरुडा और ध्यान रखिएगा जो नेवल एक्सरसाइज है फ्रांस के साथ नेवल एक्सरसाइज उसका नाम है वरुणा और अभी पहली बात तिरवनतापुरम में तिरवनतापुरम में जॉइंट एक्सरसाइज हुई है उसका नाम है फ्रिंजेक्स फ्रांस इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स भी हमारा किसके साथ है आपका आ, फ्रांस के साथ फ्रिंजेक्स एन एन लगा लीजिएगा यहां पर फ्रिंजेक्स फ्रांस इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज जिसमें तीनों सर्विसेज यानी आर्मी नेवी एयर करते हैं यूएसए के साथ हमारी बहुत एक्सरसाइज है जैसे मालाबार तो हो गई आपकी नेवल एक्सरसाइज और कोप इंडिया ये अभी हाल ही में हुई है कोप इंडिया ये कैसी है आपकी एयरफोर्स तो ये ए आर आर्मी ये ए एफ आपका एयरफोर्स फिर इसके साथ एक है युद्ध अभ्यास युद्ध अभ्यास ये युद्ध अभ्यास जो है अच्छा यहां पर मैंने आर्मी लिख दिया रुको एक सेकंड यहां पे आर्मी नहीं होगा यहां पर नेवल होगा ओके ये आपके नेवल तो युद्ध अभ्यास आपका आर्मी एक्सरसाइज है और एक है वज्र वज्र प्रहार ठीक है वज्र प्रहार जो है ये आपका स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है फिर यूएसए के साथ और भी एक्सरसाइज है जैसे संगम एक एक्सरसाइज का नाम है संगम ये जो हमारा नेवल स्पेशल फोर्सेस है जैसे नेवी सील्स और मार्कोस करते हैं इसी तरीके से एक है तरकश ठीक है तरकश यह जो तरकश है ये आपका एन के साथ काउंटर केमिकल बायोलॉजिकल रेडियो न्यूक्लियर एक्सरसाइज सी बी आर एन एक्सरसाइज हम इसे बोलते हैं तो एक स्लाइड पे आपको कितनी इंफॉर्मेशन दे दी है इसे जरा नोट कर लो ओके आई होप आप सभी लोगों को हाँ तरकश ये एनर्जी और ये कैसी है सी बी आर एन केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर एक्सरसाइज है ठीक है तो इस चीज को आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया अब पीडीएफ जब डाउनलोड करोगे तो उसमें सारा ये नोट डाउन आपको ऑलरेडी मिलेगा चलो इसके बाद आपका है ओरियन ट्वेंटी थ्री ये भी एक मल्टी नेशन ठीक है मल्टी नेशन एयरफोर्स एक्सरसाइज है ठीक है मल्टी नेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज है और ये किसके साथ हुई है हमारी फ्रांस के साथ होती है ठीक है किसके साथ है ये फ्रांस के साथ है नहीं इजिप्ट के साथ सर, स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है जिसका नाम है साइक्लोन पहली बार हुई है साइक्लोन फर्स्ट तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर फ्रांस होगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यूनाइटेड किंगडम ठीक है कौन कन तो यूनाइटेड किंगडम के साथ जैसे यूएसए के साथ मालाबार होती है यूनाइटेड किंगडम के साथ हमारी कौन सी होती है नेवल एक्सरसाइज उसको हम बोलते हैं आपका कौन कन और ये आपका कहां पे हुई है अरेबियन सी यूनाइटेड किंगडम के साथ जो आपका आर्मी एक्सरसाइज है और इसका एयरफोर्स एक्सरसाइज है ठीक है एयरफोर्स एक्सरसाइज तो जो यूनाइटेड किंगडम के साथ होते हैं उसका नाम होता है इंद्र धनुष ठीक है इंद्र धनुष और वॉरियर वॉरियर करके एक होती है यूके की आर्मी एक्सरसाइज यूके इंडिया यूके आर्मी एक्सरसाइज इंडिया यूके आर्मी एक्सरसाइज इसका नाम वॉरियर करके है अजया वॉरियर हाँ ठीक है अजया वॉरियर अजे वॉरियर करके आपका आर्मी एक्सरसाइज होती है ठीक है चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा हाँ अजया वॉरियर साइक्लोन फर्स्ट ये पहली बार हुई है किसके साथ इनैगुरल एडिशन ऑफ इंडो इजिप्ट और ये साइक्लोन फर्स्ट जो है स्पेशल फोर्सेस की है ठीक है स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है तो ये जैसलमेर राजस्थान में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था नहीं ओली में युद्ध अभ्यास था यूएस के साथ ठीक है ओली में एक था युद्ध अभ्यास ओके okay. अब आपको बताया कोप इंडिया जो है आपका ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है और ये किसके साथ होती है यूएसए के साथ होती है तो अभी कोप इंडिया इंडिया में ऑर्गेनाइज की गई है मेरे ख्याल से पांच अप्रैल के और ये आपका वेस्ट बंगाल में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है कहां पर वेस्ट बंगाल में ओके वेस्ट बंगाल और आगरा यानी उत्तर प्रदेश दो स्टेट में हुई है फिर इसी तरीके से इन चोस ओके okay, इन चौस ये ग्रीस में एक मल्टी जब ओरियन एक्स ओरियन ट्वेंटी थ्री के लिए इंडियन एयरफोर्स फ्रांस गई थी तो साथ में मल्टी नेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने कहां पर अटेंड करी ग्रीस में भी जो एटीन ऑफ अप्रैल को ऑर्गेनाइज की गई थी वेरी गुड बहुत बढ़िया हाँ जी ये सी में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल एकदम यूनिक अब ये क्वेश्चन है अमोंग दी अब ये हिस्ट्री शुरू हो गया अमोंग दी वेरियस सिटीज टू बी डिस्कवर्ड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट विच ऑफ दॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड भारतीय उपमहाद्वीप में खोजे जाने वाले विभिन्न शहरों में से निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे पहले खोजा गया था बड़ा ही बेसिक और बड़ा ही सिंपल है जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा <laughs> चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर जी हां बिल्कुल हड़प्पा जो है आपका 1921 में दयाराम साहनी सहानी ने इसको सबसे पहले डिस्कवर करा था ओके okay, मोहन जोदड़ो जो है 1922 में डिस्कवर करा था राखल दास बनर्जी ने लोथल आपका 1957 में लोथल तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक डॉकयार्ड था और धोलावीरा ये 1960 में जेपी जोशी ने इसको डिस्कवर करा था 1960 में ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इन द कॉन्टेक्स ऑफ सिटीज़ हड़प्पा सिविलाइजेशन कंसिडर हड़प्पा सभ्यता के नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें ठीक है ओके तो कालीबंगान और लोथल में फायर अल्टार्स पाए गए हैं और मोहन जोदड़ो हड़प्पा लोथल आपके यहाँ पर स्टोर हाउस पाए गए हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको जरूर मिलते हैं जिसमें उन साइट से रिलेटेड तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं लोथल और काली बंगाल में आपके फायर अल्टार्स पाए गए हैं और सम सिटीज जहां पर मोहनजोदड़ो हड़प्पा और लोथल यहां पर स्टोर हाउस भी मिले हैं क्योंकि लोथल में राइस हस्क मिले हैं चावल की बालिया तो चावल की बालिया और स्टोर हाउस में रखेंगे मोहनजोदड़ो में भी और हड़प्पा में तो ग्रेट ग्रेनरीज मिली है ठीक है काली और लोथल में आपका स्टोर हाउस भी पाए गए हैं अब जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं ये भारत के कौन कौन से एरियाज में ये पाई जाती है मतलब इसके साइड वैसे तो 2800 साइट्स हैं सिंध गुजरात राजस्थान हरियाणा पंजाब क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर वट विल बी दी आंसर देखो यहां पर मैं आपके को बताना हूं कि अगर आप सी ए पी एफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सो so, इस क्वेश्चन का आंसर दिया है डी दैट इज वन टू थ्री फोर जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी पूरे इंडिया पाकिस्तान में फैली हुई थी ठीक है इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरे इंडिया पाकिस्तान में फैली हुई थी अब यहाँ पर देखिए इसकी जो आपकी साइट है ना टोटल इसकी एट मेजर साइट है ठीक है जिसमें से तीन आपकी पाकिस्तान में पड़ती हैं, बाकी की फाइव आपकी इंडिया में पड़ती हैं, ओके ये मेरी खुद की बनाई हुई मैंने बनाया था ये बड़ा मैं टाइम लगा था लेकिन ठीक है आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है वाटर मैनेजमेंट के लिए ठीक है अगर देखो अगर यहां पर पूछा जाए वाटर ड्रेनेज ठीक है, वाटर ड्रेनेज तो हमेशा आपको आंसर देना है काली बंगान क्योंकि यहाँ पर हमें जो आ, एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मिला नालियां मिली हैं तो यहाँ पर तो वाटर ड्रेनेज लेकिन अगर वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो धोलावीरा क्योंकि यहाँ पर हमें वाटर रिजर्वायर मिले हैं लोथल जो था ये तो एक रिवर पोर्ट था यानी डॉकयार्ड था तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन अब आंसर दे दो आप लोग इस क्वेश्चन का आई नो आप लोग फुल्ली कैपेबल हो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए बताओ भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर हड़प्पा चांदू हड़ो काली बंगान मोहन जोतड़ो वट विल बी दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डी ऑप्शन बताया है डी ऑप्शन बताया ठीक है लेट सी तो जो हड़प्पा है ठीक है उसकी तो डिस्कवरी किसने करी रुक जाइए एक सेकंड हड़प्पा जो है उसकी डिस्कवरी किसने करी उसकी तो दयाराम साहनी ने करी चांदू हड़ो की एनजी मजूमदार ने करी काली की राखलदास दास बैनर्जी ने और मोहन जोधड़ो की आपकी सॉरी उल्टा लिख गया काली बंगान की जो है आपका अमलानंद घोषण करी और मोहन जो तो इसका आंसर होगा टू थ्री फोर टू थ्री फोर यस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा ठीक है यही इसका राइट आंसर होगा अब कौन सी हड़प्पा की साइट ठीक है कौन सी हड़प्पा की साइट कौन से रिवर के किनारे पर सिचुएटेड थी चलो बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर जी हाँ पीडीएफ मिलेगी सर बिना पीडीएफ के तो आप लोगों को फिर काम क्या होगा हम्म तो वन टू थ्री फोर इसका आंसर होगा ये तो पूरा वन टू थ्री फोर है इसका आंसर सिक्स का डी नहीं होगा हड़प्पा रावी नदी के किनारे मोहनजोदड़ो और चांदू हड़ो आपका इंडस रिवर लोथल आपका भोगवा काली बंगाल घगरा नदी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि कॉटन क्लोथ ठीक है कॉटन क्लोथ आपके कहां पर मिले हैं चांदू हड़ो मोहन हड़प्पा या राखी गढ़ी कॉटन क्लोथ्स आपके कहां पर इसके एविडेंस मिले हैं लेट्स सी वट विल बी दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कॉटन क्लोथ्स कौन सी जगह से हमें कॉटन क्लोथ्स आपके मिले हैं वैसे तो मेहरगढ़ में पाए गए हैं तो बताओ क्या होगा क्वेश्चन का आंसर ठीक है चांदू हड़ो चांदू हड़ो तो एक फैक्ट्री थी बीड्स मेकिंग ये आपका कहां पर मिला है मोहन जोदड़ो में मिले हैं ठीक है चलो अगला क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को कौन से मेटल की इंफॉर्मेशन नहीं थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को कौन से मेटल की इंफॉर्मेशन नहीं थी आयरन कॉपर सिल्वर या गोल्ड ठीक है आयरन कॉपर सिल्वर यस yes, आयरन क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी एक ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी क्या थी एक ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी आपको बताना सबसे ज्यादा जो खुदाई की गई है वो कौन से जल्दी से बताओ ओके okay. बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या पर? होगा विच फॉलोइंग मोस्ट एक्सटेंसिव हड़प्पन साइट तो मोस्ट एक्सटेंस तो ध्यान रखेगा आपका राखी गढ़ी और अगर ये अभी क्या है ना लार्जेस्ट भी बन गई है और सबसे बड़ा जो वर्ल्ड का ओपन म्यूजियम है ना वो राखी गढ़ी ही है ठीक है राखी गढ़ी ही है ओके अगला क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्टेडियम ये एनडीए में पूछा गया था धोला में आपको स्टेडियम के मिलते हैं किसके मिलते हैं स्टेडियम के एविडेंस मिलते हैं ओके okay, अब आपको बताना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जब वर्ल्ड में थी तब वर्ल्ड में और कौन कौन सी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन चाइनीज सिविलाइजेशन और ग्रीक सिविलाइजेशन तो ध्यान रखेगा आपकी ग्रीक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तो वर्ल्ड में तीन और सिविलाइजेशन थी जिसमें इजिप्ट की सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन हुआ करती थी ठीक है अब वेदों पे आधारित जरा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट ओके okay, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देखो आपका जो ऋग्वेद है इसमें तो मंत्र दिया गया जैसे ऋग्वेद के थर्ड मंडल में आपका गायत्री मंत्र दिया गया यजुर्वेद में आपका यज्ञ करने की क्रिया बताई गई है वैदिक मंत्रों को बोलने का जो प्रोसेस होता है या जो तरीका होता है वो आपका सामवेद और अथर्वेद आपका मैजिकल पावर से रिलेटेड है तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा थ्री वन टू फोर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा वेदों को कहा जाता है देखो वेदों को श्रुति भी कहा जाता है ठीक है क्योंकि पहले इनको लिखा नहीं गया था भगवान ने बताया ऋषि मुनियों को ऋषि मुनियों ने अपने शिष्य शिष्यों ने शिष्य तो इस वजह से तो वेद जो है ये माना जाता है कि वेदाज आर कंपोज बाय गॉड्स तो इसी वजह से इनको अपुरुष कहा जाता है फेमस बैटल ऑफ टेन किंग्स ये आपका सी में क्वेश्चन आया है ठीक है तो किस नदी के किनारे लड़ा गया था तो ये आपका परूषिणी नदी के परूषिणी नदी को मॉडर्न डे में हम रावी के नाम से जानते हैं ठीक है थीके? परुष्णी नदी को मॉडर्न डे में हम रावी के नाम से जानते हैं दरअसल okay, है, ठीक है जो फर्स्ट हैं, जिसमें आपका ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद हैं, इनको हम त्रय वैदित्रय या त्रिवेद इन नाम से भी जानते हैं त्रय वैदित्रय या त्रिवेद के नाम से भी हम इनको जानते हैं भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को क्योंकि इसी में ही आपका सारे गामा पाधानी सा आपका दिया गया है चले <coughs> अगला ऋग्वेद के जो टेंथ मंडल है उसमें आपका दे रखा है पुरुष सूक्त ठीक है क्या दे रखा है पुरुष सूक्त ये पुरुष सूक्त में ही आपका वर्ण सिस्टम या वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है ठीक है पुरुष सूक्त में ही आपका वर्ण व्यवस्था या वर्ण सिस्टम के बारे में बताया गया और ये ऋग्वेद के दसवें मंडल में मिलता है ठीक है वेरी गुड अगला क्वेश्चन फर्स्ट रिपब्लिक इन वर्ल्ड ये भाई क्वेश्चन एनडीए में आया था महाजनपद पीरियड होता सिक्स हंड्रेड बीसी की बात है उसमें जो वज्जी जिसकी कैपिटल होती थी आपकी पंचाल ये क्या था गणतंत्र था यहाँ पे दो थे एक लिच्छवी और एक एकत्रिक ठीक है इन दोनों में चुनाव करके राजा को बनाया जाता था और उसके बाद फिर दूसरा जो बना था वो पंचाल बना था अच्छा <coughs> अब ये क्वेश्चन आपका सी का है ये यूपीएससी का कि प्राचीन जो शहर है माहिष्मी ठीक है माहेशमती दरअसल अवंती एक महाजनपद था जिसकी कैपिटल थी उज्जैन ठीक है तो माहेशमती जो थी जो उसकी अवंती थी ना उसकी दो कैपिटल थी एक तो थी उज्जैन अब उज्जैन तो आप जानते हो कौन सी नदी के किनारे है तो शिपरा नदी के किनारे आपका उज्जैन नदी है सरयू नदी के निकट तो अयोध्या जी है जो कौशल महाजनपद की राजधानी थी सोन नदी तो नहीं होगी गोदावरी महाराष्ट्र में आ जाती है तो जो माहेश मती थी नर्मदा नदी के किनारे थी तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ठीक है नर्मदा नदी अयोध्या के किनारे है ठीक है चलिए इसी तरीके से यहां पर देखो ना ये मैंने यहां पे इमेज ली है ये आपको उज्जैनी दिख रहा है और ये देखो इधर नर्मदा नदी आ रही है ना तो माहेशमती नर्मदा नदी के किनारे थी ओके आई होप आप लोगों को इसको क्लियर और ये देखो इधर अच्छा रुक जाइएगा इधर ये थोड़ा सा हो गया आपको क्वेश्चंस का यहाँ पर लेवल बहुत अच्छा मिलेगा ध्यान रखिएगा एक चीज और आपको हम बता दें क्लैरिफिकेशन के साथ ये जो सबसे जो पावरफुल महाजनपद थे ये दरअसल जीजस क्राइस्ट के बर्थ से 600 इयर्स ईयर्स पहले भारत में 16 बिग स्टेट होती थी उनको महाजनपद दरअसल वैदिक सिविलाइजेशन में लोग ना कबीले के रूप में रहते थे कबीले को जन्म बोलते थे और वो खाना बदोश नो लाइफ जीते थे लेकिन जब आयरन की डिस्कवरी हो गई तो वो एक जगह इकट्ठे हो गए तो जब कई सारे कबीले इकट्ठे हो गए तो जन से बना जनपद जो आज जैसे आपका गांव जो था ना वो एक जन था कई सारे जन मिल गए तो जनपद आपका डिस्ट्रिक्ट बना और कई सारे डिस्ट्रिक्ट से क्या बना महाजनपद आपका स्टेट बना ओके हाँ अब यहाँ पर आपका टाइम भी हो रहा है चलो तो वज्जी ये आपका था ठीक है अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं आगे का क्वेश्चन आपका जो है ये पूरा नहीं हुआ क्या ओके ये क्वेश्चन है देखो वही है कि बैटल ऑफ टेन किंग कौन सी नदी के किनारे हुआ तो जो दस राजाओं का युद्ध था वो आपका परूषिणी नदी के किनारे हुआ था ठीक है तो इस तरीके का ये आपका सीडीएस का क्वेश्चन है ये आपका कौन सा क्वेश्चन है सीडीएस का परूषिणी नदी आपको कराया था तो देखो यहाँ पर यह है और ये मॉडर्न डे नेम और ये चीज आपको मैंने बता रखी है सिंधु को इंडस के नाम से बुलाया जाता है वितस्ता अस्कनी चेनाब, रावी, विपस सतलुज दृष्ट दवती ठीक है और सरस्वती का, ये दृष्ट दवती और सरस्वती नदी ये दोनों क्या हो चुकी हैं एक्सटेंट हो चुकी हैं ओके ये दोनों क्या हो गई एक्सटेंट हो सकती है ओके चलो अब ये पिछले साल जो 8 अगस्त को सी का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था अब देखो आपको पता है कि वितत्सा को किस नाम से जानते थे देखो परूषण हो गई रावी नदी वितत्सा हो गई आपकी झेलम नदी अस्कनी हो गई आपकी चेनाब नदी और दृष्ट नदी को चोटांग के नाम से जानते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा टू वन फोर थ्री ठीक है टू वन फोर थ्री ऑप्शन नंबर बी इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट right आंसर हो जाएगा सिंपल सी चीज है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब ये जोग्राफी तो आपको हाँ हम्म आप ही आंसर कर देते हैं अरे वो फास्ट फास्ट क्योंकि यहाँ पर वेट करूंगा इतना में टाइम हो जाएगा मोनोटोनस हो जाएगी बोरिंग हो जाएगी क्लास आगे करना है या आपको नेक्स्ट क्लास हिंदी की करनी है आप में से सी का एग्जाम जिन दिन का है वो देख सकते हैं क्योंकि अभी बारह बजे बी के लिए जो आपका हेड कांस्टेबल का एग्जाम है सी के लिए सी के लिए तो उनके लिए हिंदी की क्लास है अगर आप वो देखना चाहते हो वो कर सकते हो ओके ओके तो कैरी ऑन करें चलो इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या होगा आप में से किस किस का सीएपीएफ का एग्जाम है जरा पहले वो बताओ मेरा ओके आप में से किस किस का सीएपीएफ का एग्जाम है ये लग रहा है <coughs> बिल्कुल जो है करेक्ट अर्थ जो है हमारे सोलर सिस्टम में सबसे भारी प्लैनेट है और जो आपका इस बार तो बल्कि सी में क्वेश्चन भी आया था और सी में था या शायद एन में था जो सेटन है वो सबसे लाइटेस्ट है डायमीटर ऑफ जो सन है वो वन नाइन टाइम है सन जो है नाइन्टी नाइन परसेंट है और अर्थ में सबसे प्री डोमिनेंट एलिमेंट आपका ऑक्सीजन है ओके okay? ऑक्सीजन अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा ओके okay. hmm. मेरे को क्या पता रिजल्ट कब आएगा सीआरपीएफ का प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम तो सोलर सिस्टम, तो जो वीनस है ना ये इतना चमकता हुआ क्योंकि क्यों 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 बहुत गर्म है ठीक है तो वीनस है और ये आपका कैसे रोटेट करता अपोजिट टू थी जैसे अर्थ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो वीनस आपका क्लॉकवाइज रोटेट करता है ठीक है विनस आपका क्या रोटेट करता है खैर अभी मेरी मेरे को ध्यान नहीं रहा मेरी भी अगली क्लास है आज आपके लिए मैं काफी क्वेश्चंस बना के लाया था आप ये पी डाउनलोड कर लेना उसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आप उसको सॉल्व करना ठीक है मेरे को ध्यान आया मेरी भी अगली क्लास है अच्छा ये बैचेस 25 मई से शुरू हो चुके हैं और ये सी का अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत परफेक्ट है और इसमें आपका सी पेपर टू पेपर सेकेंड भी आपको इसमें मिल रहा है तो ये Y191 डिस्काउंट कोड को यूज करके आप इन बैचेस को मात्र चौदह रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है अगर आप सी के लिए कर रहे हैं तैयारी सी ए सी डी एस के लिए कर रहे हैं या सी के लिए तो आप इसको कर सकते हैं हम्म ठीक है और ध्यान रखेगा अदर ट्वेंटी फोर सेवन की एप्लीकेशन डाउनलोड कर जरूर करेगा क्योंकि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक हेयर टू तो डाउनलोड पीडीएफ आपको दे रखा होगा उस उसपे क्लिक करके अड्डा की ऐप को जरूर डाउनलोड करें उस प्रीमियम स्टडी मटेरियल भी मिलता है करंट अफेयर डेवली और पी डी एफ भी मिलता है ओके मैं अभी दीक्षा जस्ट ट्वेल्व थर्टी से पहले जब आप अड्डा के ऐप को डाउनलोड करेंगे उसमें कम्युनिटीज का सेक्शन होगा उस कम्युनिटीज के सेक्शन में जिवेश जी के को सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा साढ़े बारह बजे तक मैं आपको ये सारी पीडीएफ आपको उस पर दे रहा हूँ और अभी आप सभी शिखा मैम की हिंदी की क्लास अटेंड करिए तो जय हिंद जय भारत गॉड ब्लेस यू ऑल बाय बाय थैंक यू वेरी मच